ग्राम अंदराड़ा में बिना अनुमति हो रही थी शादी, 300 से ज्यादा लोग थे मौजूद। वरवधु के पिता पर केस दर्ज, पार्टी। नगर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम अंदराड़ा के नाकाफलिया में मंगलवार को बिना अनुमति के शादी समारोह चल रहा था। यहां पर 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर तहसीलदार आशा परमार के निर्देशन पर संबंधित क्षेत्र के पटवारी ने वरवधु के पिता पर FIR दर्ज कराई है। साथ ही मौके पर बज रहे DJ और पिकअप को जब्त किया गया है। पटवारी ने पंचनामा बनाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी तहसीलदार आशा परमार ग्रामीण भ्रमण कर रही थी। इस दौरान उन्हें ग्राम अंदराड़ा के नाकाफलिया में DJ की आवाज़ सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो यहां पर बाराती नाचते हुए मिले, वहीं कुछ भोजन करने में व्यस्त थे। यहां पर 300 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। अनुमति की जानकारी लेने पर पता चला कि शादी की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था। इस पर पार्टी थाने पर वरवधु के पिता पर FIR दर्ज कराई गई। हालांकि कार्रवाई के पहले शादी के अधिकांश रस्में पूरी की जा चुकी थी, इसलिए शादी को नहीं रोका गया। ग्राम अंदराड़ा के हल्का नंबर 16 के पटवारी बलवीर कन्हा से पटवारी ने बताया कि ग्राम अंदराड़ा के नाकाफलिया निवासी गुमान पिता नानला जाति भील की पुत्री के विवाह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। विवाह में एक DJ भी तहसीलदार पार्टी के द्वारा मौके से जब्त किया गया, जिसे पार्टी थाने पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया। वर पक्ष के रुखड़िया पिता धुलिया निवासी बंधन बड़वानी के द्वारा अपने पुत्र की बारात में लगभग 150 लोगों को शामिल किया गया। थाने से प्राप्त जानकारी अनुसार वर वधु के पिता पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर दोनों के खिलाफ 128 की कार्रवाई की गई। शादी समारोह को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हाँ, पार्टी में ग्राम अंदराड़ा है, वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि वहाँ शादी समारोह में 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। तो हम लोग पुलिस बल के साथ मौके पे गए और वहाँ पे देखा, वास्तव में वहाँ पे लगभग 250-300 लोग शादी में मौजूद थे। फिर हमने सारी जो भीड़ थी लोगों को वहाँ से हटाया और मौके पे रिपोर्ट पंचनामा बनाकर दोनों पक्ष, जो वधु पक्ष और वर पक्ष, दोनों के विरुद्ध थाने में, पार्टी थाने में 188 की FIR दर्ज करवाई है। मैम, कुछ वाहन भी जब्ती की गई आपके द्वारा? हाँ, एक जो DJ बारात में आया था वो DJ भी हमने जब्त करके थाने में सुपुर्दगी पे दिया है। मैम, इसमें कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा? हाँ, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।